अब हम देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अभी शेयर वापस लेने की बात आ रही है, अभी तक आप सिर्फ इशू करते आए हो, अब वापस ले रहे हो। एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस, क्या आपको ये टर्म पता है एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस क्या होता है? ये लॉस है या सिर्फ पिछले ईयर का नहीं, पिछले काफी सालों का भी हो सकता है जो सेट ऑफ ही नहीं हो पाया, मतलब कभी लाइफ में इतना प्रॉफिट आया नहीं कि ये बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर पाए और ये कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। अच्छी चीज है ना, टैक्स एग्जम्पशन में मिलता है ना। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या कभी इतने ज्यादा हो सकते हैं कि आपका कैपिटल खोखला नजर आने लगे? कैसा हो सकता है? पूरे लॉस में चल रहा है। हाँ, लॉस में जा रहे हैं, कंपनी लॉस में ही जा रही है। अल्टीमेटली आज के डेट में आपको रियलाइज हो गया है कि अब तो ना असेट्स है ना कुछ है, सिर्फ एक तरफ इधर लॉसेस है हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस असेट्स में, और इधर लायबिलिटी साइड में एक कैपिटल बचा और बाकी सारा सब कुछ खोखला है। तो आप क्या करेंगे? अब आपको मालूम है कि अब ये लॉसेस तो मैं सेट ऑफ कर नहीं सकता, आज तक प्रॉफिट हुआ नहीं और आगे कोई मतलब है नहीं पॉसिबिलिटी। आप इधर से एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम कर दो, किधर से? असेट साइड से। और इधर से क्या कम करेंगे? लायबिलिटी तो कम नहीं कर सकते, कैपिटल कम करेंगे। तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, रिड्यूस्ड योर कैपिटल ड्यू टू टू मच एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसी तरह सेकेंड चीज, असेट्स ऑफ रिड्यूस्ड और डाउटफुल वैल्यू। What do you mean by assets of reduced or doubtful value? Assets of reduced or doubtful value क्या होता है? Example देके बताओ, ये आपको आना चाहिए। कुछ value नहीं है। Vehicle हो सकता है और machineries हो सकते हैं, plants हो सकते हैं, plants के plants ऐसे हो सकते हैं जो they have expired, they have gone beyond their useful life। तो अभी ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टिल हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे बैठे हैं, बट एक्चुअली नहीं। क्या असेट्स में शेयर्स भी आते हैं? क्या असेट्स में शेयर्स आते हैं? हा हा, क्या शेयर्स असेट्स में आ सकते हैं? सोचो, शेयर्स एग्जैक्टली Can you not invest in someone else's company? Of course. तो वो asset side में आते हैं ना। क्या आपने asset में डाल, आपने shares खरीद के रखे थे सत्यम के, और फिर आपको पता है क्या हुआ? अब वो asset जो है आपकी impair हो चुकी है, zero तक आ गई है। जो आपने 2,000-3,000 के rate से खरीदा होगा वो कहाँ आ गया है? Zero rupees. तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? अगेन वही ऑप्शन है आपका। अगर ऐसा हो रहा है कि इतना असेट, या आप देखते थे ना हम लोग जब असेट इतना ज्यादा गिर जाता तो हम एक रिजर्व बना रहे थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। वहां पे एक्चुअल कोई पैसा नहीं था, बस ऐसे रिजर्व बना रहे थे। रादर देन क्रिएटिंग अ रिजर्व और बैलेंस शीट को बढ़ाना, रिजर्व बनाने से क्या होता है, लाइबिलिटी और असेट दोनों की टोटल बढ़ती है देखो। और यही तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग कंपनी, मतलब ये कंपनी सिर्फ फ्लोट हो रही है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। और जब इन्वेस्टर और क्रेडिटर आएंगे वो बोलेंगे क्या तुम लायबिलिटी साइड में इतने करोड़ का अमाउंट बता रहे, है क्या तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व? एक्चुअल क्या है तुम लोग के पास? कुछ नहीं। असेट अंडरवैल्यूड है, ओवरवैल्यूड है, सॉरी, मतलब असेट का कोई वैल्यू है नहीं। तुमने डाल के रखा 1 करोड़, इधर रिवैल्यूएशन असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के रखा 90 लाख का। तुम एक काम करो ना, इधर से 1 करोड़ में से 90 लाख कम करो और इधर कैपिटल में से 90 लाख कम करो, और ये जो 10 लाख बचता है ना, ये तुम्हारा रियल वैल्यू है आज के डेट। तो ये जो फ्लोट करके आपने रखा है, ये सत्य में भी वही हुआ था, ये फ्लोट करके रखा था एक अमाउंट, वो रियलिस्टिक पे जब लाया तो उनका शेयर प्राइस देखो कहां से कहां जीरो तक आ गया था। ये सारे रीजन हो सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको समझ नहीं रहा पैसे करूं क्या, आपके पास इतना पैसा है आपको लग रहा ही नहीं, और आपका अनकॉल्ड अमाउंट भी बहुत पड़ा है, समझ रहे हो क्या? आपने 100 में से 75 रुपीज मंगाए, 25 और मंगा सकते हो आप, पर आपके पास ऑलरेडी बहुत बैंक बैलेंस पड़ा है। तो क्या करोगे आप? बैंक में पड़ा पैसा तो कोई काम आ नहीं रहा है, आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है कंपनी में, कुछ आपके पास नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और अननेसेसरी आप पैसा अपने पास रखते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन डिविडेंड की कम नहीं होती, तो आपका मार्केट में रेट कम हो जाएगा शेयर्स का, क्योंकि आप डिविडेंड उतना नहीं दे पाएंगे जितना पैसा लेके रखे हो। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, शेयर्स को जो आप 75 रुपीज की आपके पास शेयर्स पेड अप है उसको आप बोलोगे कि ये 100% हो गया, यानी जो मेरा शेयर 100 का था मैंने उसको 75 का कर दिया, बस मैं बोला और नहीं चाहिए भाई मेरे को 25 रुपए तुमसे, मेरे पास है उतना ही काफी है। और आप एक स्टेप आगे जा सकते हो, शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच फुल्ली पेड अप करके आप 25 रुपए उनको वापस भी दे सकते हो, तो आपका कैश भी कम होगा, इधर से कैपिटल भी कम होगा। ये सारे रीजंस हो सकते हैं
रिडक्शन ऑफ कैपिटल के, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस के केस में होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल कैश बैलेंस की वजह से भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। क्या इसके लिए कंपनीज एक्ट ने फिर कुछ प्रोसेस देनी चाहिए? बिकॉज ये बहुत सीरियस चीज है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, देखो, एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस, असेट्स ऑफ रिड्यूस और डाउटफुल वैल्यू और हैविंग अ पेड अप कैपिटल इन एक्सेस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी कुड लीड टू द नीड ऑफ रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। सेक्शन 66 डील्स विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा आपको, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन द मैनर एंड इन पर्टिकुलर मे एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। क्या ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले दिया था, 100 रुपीज के शेयर थे, 75 रुपीज पेड अप था, आपने क्या किया, यू हैव एक्सटिंग्विश योर राइट टू कॉल 25 रुपीज मोर, आपने बोला आज से ये शेयर्स का नाम है 75 रुपीज फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन किया, क्योंकि कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल बोला है, तो आपने एक एप्लीकेशन किया। आप कौन है सर, आप कंपनी नहीं है, आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, आपके पास शेयर्स होने चाहिए तो ये तो रिड्यूस कर पाएंगे, तो यू आर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपने एक एप्लीकेशन किया ट्रिब्यूनल को, आपने बोला सर ड्यू टू एनी रीजन जो आपने तीन ऊपर पड़े, मेरे को अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है। ट्रिब्यूनल बोला क्यों करने का, बोला मेरे पास बहुत एक्युमुलेटेड लॉसेस है, मेरे को करने का। ट्रिब्यूनल बोला ओके कर, कैसे करेगा, तो बोले मेरे पास 100 रुपए का शेयर है, 75 रुपए पेड अप है, मैं उसको फुली पेड अप करना चाहता हूं, 25 रुपए में वे ऑफ कर रहा हूं। ये हो गया रिडक्शन, किसमें हुआ ये, ए पॉइंट पे। अब देखो बी पॉइंट, आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैंसल पेड अप शेयर, हमने पेड अप शेयर के बारे में क्या देखा, दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन पेड अप, बराबर ना, मतलब ये ऐसा लोग है जो लोगों ने एक्चुअल पैसा डाला है। तो 100 का शेयर है, 75 रुपए पेड अप है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 50 रुपए फुली पेड अप करना है, जो 25 रुपए रिटर्न का करें, मैडम यू हैव नॉट रिटर्न द मनी, कैंसल एनी पेड अप वैल्यू, कैंसल कर दिया आपने, लोगों का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, कैंसल हो गया ना अगेंस्ट द लॉसेस। बताता हूं आपको, ये आपका बैलेंस शीट है, देखो हाँ यही तो बता रहा हूँ, एक्चुअल मनी था ही नहीं इसलिए तो रिड्यूस कर, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका शेयर कैपिटल, ऊपर देखो मैडम, ये शेयर कैपिटल इधर और इधर है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको मालूम है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एड़ा बनाने के लिए, बैलेंस शीट का अमाउंट बढ़ाने के लिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, मेरे लाइफ में कभी प्रॉफिट होने वाला है नहीं और मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ये रियल पोजिशन नहीं बताता आपके। आपने क्या किया, यहां से 25 रुपए पर शेयर कम किए, कम करिए, और यहाँ पे भी इक्वली 25 रुपए जितने भी शेयर्स थे आपके उतना वैल्यू इधर से एक्युमुलेटेड लॉसेस से कम किया, अब आपकी बैलेंस शीट रिड्यूस्ड वैल्यू पे आ गई वापस, और ये आपकी सही वैल्यू है। मैंने आपने इन शॉर्ट इसको कैंसिल करने की कोशिश की, समझे क्या आप लोग, एक्युमुलेटेड लॉसेस कैंसिल करने की कोशिश की, किससे, शेयर कैपिटल में से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट वन, आई वुड लाइक यू टू नोट, पॉइंट नंबर ए में आपने एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, मतलब आपने 100 रुपए के शेयर जो 75 पेड अप थे, ऊपर के 25 रुपए जो आपने लिए थे वो छोड़ दिए। आप पॉइंट नंबर बी वन में क्या कर रहे हो, 100 रुपए के शेयर से 100 रुपए पेड अप थे, अब आपने बोला सर ये शेयर आज से 75 रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर हो गए, आपने 25 रुपए पेड अप वैल्यू कैंसिल कर दिया, जो लोगों ने पैसा दिया है उनका, आपने उनको डायरेक्टली मुंह बोल दिया आपके 25 रुपए हम डुबा चुके हैं। अब अगर हमारी कंपनी बंद भी होती है तो हम आपको कितना देंगे मैक्स, 75 रुपीज, 25 रुपए लॉस्ट फॉर एवर, समझे, ए में और टू बी बी वन में डिफरेंट, समझे ना, कैंसिल एनी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। और बी टू में आप एक और चीज कर सकते हो, पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वॉन्ट्स ऑफ द कंपनी अल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल एंड ऑफ इट्स शेयर्स अकॉर्डिंगली। अब ये जो पार्ट है, ये बी टू, ये वो कोमल ने बोला वाला पार्ट है, आपने कैंसिल तो किया बट इंस्टेड आपने क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, आपके पास बहुत कैश पड़ा था, रेदर देन कैंसिलिंग आपने पे ऑफ कर दिया, करेक्ट, समझे आप लोग। तो ए केस में क्या हो रहा है, जो मंगाना था आपने बोला कि मैं नहीं मंगाऊंगा, माफ कर दिया। बी में
जो ऑलरेडी मंगा आपके पास था उसमें से आपने बोला कि अब मैं कैंसिल करता हूँ, ये मैं चुकाऊंगा नहीं। और बी टू में आपने क्या किया, जो आपके पास ऑलरेडी था वो आपने उनको वापस कैश पे करके कम कर दिया। 100 का शेयर 100 रुपए पेडअप थे, आपने 25 रुपए उनको वापस दिए और अब 75 के शेयर 75 पेडअप बचे, ठीक है। और इस तरफ से आपके इससे सर हुआ क्या, लेकिन इससे ये हुआ मैडम कि असेट साइड से कैश कम हो गई और लायबिलिटी साइड से अब पेडअप शेयर कैपिटल कम हो। बी वन में क्या हो रहा था, बी वन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम हुए एसेट साइड से और इधर से कैपिटल कम हुआ। ए पॉइंट में क्या हो रहा था, ए पॉइंट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम होंगे और इधर जो आप कॉल करने वाले थे वो आप कॉल कैंसिल कर दें, अल्टीमेटली शेयर्स रिड्यूस हो गए। नो रिडक्शन शैल बी मेड, सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट नो रिडक्शन शैल बी मेड इफ द कंपनी इज इन अरियर्स इन द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाई इट आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और इंटरेस्ट पेबल देयर। सबसे पहली बात, आपने अगर लोगों से डिपॉजिट्स लेके रखे हैं ना, पहले वो चुकाओ और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, करेक्ट ना। क्योंकि आप इधर हो सकता है कि बी टू में आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हो ये बोल के कि मेरे पास बहुत कैश है और लोगों से जो डिपॉजिट लेके रखा है वो रिपे नहीं कर रहे। कंपनी ये भी गेम खेल सकती है कि जनरल लोगों से डिपॉजिट ले रही है और वो शेयर होल्डर्स को पे करके बंद कर देगी कंपनी, तो ये नुकसान किसको होगा, डिपॉजिट होल्डर्स का, वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। डिपॉजिट होल्डर्स को कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस लिए ऐसा ना हो इसलिए आपने क्या बोला, पहले डिपॉजिट्स पूरे क्लियर करो। डिपॉजिट्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो डिपॉजिट आपने एक्चुअल अमाउंट लिया और उस पे का इंटरेस्ट, दोनों क्लियर करो उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए आओ। ओके, पॉइंट नंबर वन समझा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से प्लीज ध्यान से पढ़ना। सेकेंड है इश्यू ऑफ नोटिस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट अंडर सबसेक्शन 1 टू सीजी। ये व्हाट आपको समझ जाएगा, व्हाई मैं आपसे पूछने वाला हूं, इसलिए आप वापस ध्यान से पढ़ो। ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट अंडर सबसेक्शन 1 टू सीजी, आरओसी एंड सेबी, एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनीज एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनीज एंड शैल टेक इन टू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड टू इट बाय दैट गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी या क्रेडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस। पहले मुझे बताओ क्या करना है और फिर आप ही बताओ क्यों कर रहे हैं ये सब। पहला क्या किया है इसने, पॉइंट नंबर, हाँ सिर्फ रजिस्ट्रार और सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को हर केस में। तो पहले आप बोलना चाहते हो कि आप ट्रिब्यूनल सीजी को बता रहा है कि सबसेक्शन 1 में इस कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए मेरे पास एप्लीकेशन भेजा है, क्योंकि एप्लीकेशन तो कंपलसरी है ना, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल। सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे ना आपने 1 का, ये देखो ये लाइन बोलता है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल को बिना अप्लाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे, पॉइंट नंबर 2 बोलता है ट्रिब्यूनल किस किस को हम जाके बता रहे हैं, सीजी को, आरएससी को, अगर लिस्टेड कंपनी ने एप्लीकेशन किया तो सेबी को और क्रेडिटर्स को, ठीक है। ये 4 लोगों को क्यों बता रहे हैं, वो बोल हाँ उनके पैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब उन लोगों से आपको क्या चाहिए, उन लोगों से नहीं, रिप्रेजेंटेशन, इन लोगों से रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको। रिप्रेजेंटेशन यानी वो अपना मत रखेंगे, मतलब किस कौन सीजी बोलेगी कि अच्छा ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, नहीं नॉर्मल कंपनी है, पब्लिक कंपनी, अच्छा नहीं नहीं रुको रुको हमको फिर इनके मेंबर्स देखने दो क्या है, कौन है डायरेक्टर्स कौन है। हो सकता है सेबी बोलेगी नहीं नहीं इसकी सिक्योरिटीज तो लिस्टेड है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है और आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हो, तो अगर आपने रैंडमली शेयर्स कम कर दिए तो मैं क्या रैंडमली लोगों के अकाउंट में से पैसे शेयर्स कम करूंगा क्या, मेरे को तो यूनिफॉर्म प्रोराटा बेसिस करना है ना, सब लोगों ने पैसे दे के शेयर्स खरीदे। अगर ये क्रेडिटर्स जो है कंपनी के, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि ये लोग बैलेंस शीट ही नीचे ला रहे, ये लोग इधर शेयर कैपिटल कम कर रहे, शेयर कैपिटल कम करने से सर क्रेडिटर्स को क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है क्रेडिटर्स को, कैपिटल कम आएगा ना, वाइंडिंग अप तक बात आती है तो उनको कम पैसा मिलेगा ना अभी, ऑफकोर्स। तो इन लोगों को पहले आप बताओ कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, आप इससे सहमत हो या नहीं। ऑफ कोर्स इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कितने दिनों में इनको बताना है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। कौन कौन बताएगा, क्रेडिटर बता सकता है, सीजी, सेबी और क्रेडिटर जितने लोग। अभी नीचे वाला पैरा पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीजी, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर विद इन द सेट पीरियड, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू द रिडक्शन।
लॉजिकल है. ओके आपको पॉइंट नंबर वन और टू समझ गए. पॉइंट नंबर वन में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया. क्या एप्लीकेशन किया सर आपने? हाँ, तो इसके पहले आपको एक और चीज कंपलसरी है, आपको एसआर पास करना है कंपनी में. तो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो क्या है प्रोसेस, मैं बताऊँ आपको. जो आर्टिकल्स में लिखा है या जो रूल्स में लिखा है आपको बताया नहीं है. सबसे पहले ये कीड़े किसके दिमाग में आए होंगे? डायरेक्टर के. तो डायरेक्टर्स मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा कि चल एक काम करते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं. तो बोलेंगे लेकिन हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है. अथॉरिटी किसके पास है? कंपनी के पास. एसआर है ना, वो भी नॉर्मली नहीं, एसआर. तो अब डायरेक्टर्स ने मीटिंग रखवाई. मीटिंग में उन लोगों ने क्या किया, एसआर पास करवाया. एसआर पास अगर हो गया उसके बाद जाके एप्लीकेशन किया ट्रिब्यूनल को. ट्रिब्यूनल ने वो एप्लीकेशन किस किस को भेजा? सीजी, आरओसी, सेबी, क्रेडिटर. सेबी को कब भेजेगा? अगर लिस्टेड कंपनी. अब इन लोगों से, अब जैसे ही इसने नोटिस भेज दिया, ट्रिब्यूनल बैठ गया 30 दिनों तक, सॉरी 3 मंथ्स तक. 3 मंथ्स तक वो बैठा है कि इन लोगों में से कोई आके कुछ बोले. अगर वो बोला, जो भी बोला, क्रेडिटर ने बोला कि सर ये गलत हो रहा है, तो क्रेडिटर का ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेगा ट्रिब्यूनल, अलाउ करना कि नहीं अलाउ करना. अब ये 3 महीने हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, तो इसने क्या सोच लिया ट्रिब्यूनल, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं. अब अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ट्रिब्यूनल क्या बोले कंपनी को? गो अहेड, डू द रिडक्शन. अगर किसी को प्रॉब्लम रहती तो ट्रिब्यूनल वो कंसिडर करता, और वो कंसिडर करके ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलता कि देखो तुम ऐसे नहीं, ऐसे रिडक्शन करो, ये रिडक्शन मत करो. जो भी उसको ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो कर सकता है. अभी तक का स्टोरी समझ गया? ओके. द पावर ऑफ सीजी हैज बीन नाउ डेलीगेटेड टू आरडी, रीजनल डायरेक्टर. हमने ये बहुत बार देखा है, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए, नोटिफिकेशन ब्रैकेट लगा दो आप. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट अ डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्चार्ज्ड और डिटरमाइंड और हैज बीन सिक्योर्ड और हिज कंसेंट इज ऑब्टेंड, make an order confirming the reduction of share capital on such terms and condition as it may deem fit. तो ट्रिब्यूनल पहले क्या मेक श्योर कर रहा है कि क्रेडिटर को आइदर आप डिस्चार्ज की हो या आपने डिटरमाइन की हो. डिटरमाइन करना मतलब आपने उनको बता के रखा कि आई नो आपका ये डेट है, हम ये रिपे करेंगे, अगर हम नहीं करते तो कोई और पे करेगा, ऐसा डिटरमाइंड सॉल्यूशन है इसका. या आपने उसको सिक्योर कर दिया कि ठीक है आपकी डेट है, हम मानते हैं आपको, हम पे शक हो रहा है क्योंकि हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, एक काम करो हमारे असेट जो है, हमारे प्लांट है, ये आपके लिए सिक्योरिटी, ठीक है. और आपने दूसरा क्या कर दिया, कंसेंट ले लिया उससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना हम रिडक्शन करें तो. वो बोले यार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिक्योरिटी दी थी ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, करो जो रिडक्शन करना है. बोले ओके. ये होने के बाद ट्रिब्यूनल बोलेगा कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन पर रिडक्शन कर सकते प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज्ड बाय द कंपनी फॉर सच रिडक्शन इज इन कंफर्मिटी विद द accounting standards specified in section 133 or any other provision of this act and a certificate to that effect by the company's auditors have been filed with the tribunal. देखो आपको जो करना है आप वो बता रहे हो, रिडक्शन एंड ऑल, आप अकाउंटिंग एंट्री क्या मारोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये तो बताओ. अकाउंटिंग एंट्री ये इतना इजी नहीं होता. आपको किस तरह का रिडक्शन करना है, किस वजह से रिडक्शन करना है, उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होने वाला है, क्योंकि अभी आपको जो मैंने बताया ये तो मैंने जनरल आपको इंटर लेवल पे बताया. अभी तक आप लोगों ने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने IFRS नहीं पढ़ा. देखो लॉ में ऐसी बात है कि जब तक आप इंटर में नहीं आए थे तब तक आपको लगता था कि प्रिफरेंस शेयर्स वोट नहीं कर सकते, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, लगता था कि नहीं लगता था? और वो गलत नहीं था, बट वो पूरा सच भी नहीं था. पूरा सच क्या था? सेक्शन 47. ये वैसी बात है, अभी आपको जो मालूम है वो गलत नहीं है बट वो पूरा सच भी नहीं. अकाउंटिंग एंट्रीज इतनी इजी नहीं होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज डिफिकल्ट होगी और उसकी वजह से दूसरे अकाउंट्स या दूसरे लॉस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रेक भी हो सकते हैं. तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंपनीज के जो ऑडिटर है हम लोग CA, इनको बोलेगा आप हमको बताओ ये रिडक्शन है, ये मैं अलाउ करने रेडी हूँ, आप मेरे को बताओ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, क्या रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, क्या रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, कौन से अकाउंट को इस अकाउंट से आप एडजस्ट कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो. और ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अकाउंट जो आपका CA है वो एक अकाउंटिंग एंट्रीज मार के देगा, वो एक नहीं रहेगी, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ एंट्रीज. वो एंट्री ट्रिब्यूनल स्टडी करेगा, देखिएगा किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सारी एंट्रीज वैसे ही है ना जैसा मैंने अलाउ किया, क्योंकि उसने अलाउ कुछ किया और एंट्री कुछ गलत हो रही होगी तो वो भी मना करेगा ट्रिब्यूनल. और ये सब देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि सब सही हो रहा है उसके बाद ही वो अलाउ करेगा. तो क्या देखोगे आप, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, कि आप जो कर रहे हो तो ठीक है, आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी सही से कर रहे हो कि नहीं वो भी दिखाओ.
ओके पब्लिशिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ट्रिब्यूनल. एक बार ऑर्डर आ गया तब आप इसको पब्लिश करना पड़ता है. आपको कैसे पब्लिश करेंगे? जैसा ट्रिब्यूनल बोला वैसा. देखो द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट. सर व्हाट डू मीन बाय पब्लिश्ड? पब्लिश मतलब पब्लिश्ड. न्यूज़पेपर से लेके आप ट्रिब्यूनल कुछ भी बोल सकता है आपको. वो बोलेगा न्यूज़पेपर, आपका वेबसाइट, मेरा वेबसाइट, आरबीआई का वेबसाइट, सेबी का वेबसाइट, एससीआरए का वेबसाइट, रेडियो, उसको बैनर लगवाने बैनर लगवाए, जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो बोलेगा ऐसा पब्लिश कर, वैसा पब्लिश आपको करना पड़ेगा. डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द आरओसी. आप आरओसी का पता है आपको आदत. द कंपनी शैल डिलीवर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3 एंड ऑफ मिनट अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल. व्हाट डू मीन बाय मिनट अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल? ये मीटिंग हुई होगी ना इसकी, उसके मिनट्स. क्यों? क्योंकि हमको एक स्कीम तो आपने दे दिया, स्टेप वन ये करो, स्टेप टू ये करो, इसका बैकग्राउंड भी चाहिए हमको कि स्टेप वन कैसे लाया, उसके पीछे क्या डिस्कशन हुआ. फॉर एग्जांपल बिल्स आते हैं, फाइनेंस एक्ट. फाइनेंस एक्ट को फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच होता है ना उसके साथ जोड़ के देखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो स्पीच आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता है कि अच्छा इंटेंशन क्या है. तो जब वो स्कीम आप पढ़ोगे तो हो सकता है आप इंटेंशन क्लियर ना हो, बट जब उसकी मिनट्स देखोगे, उसके पीछे का डिस्कशन देखोगे, तो आपको उसके इंटेंशन क्लियर होंगे. तो आप सिर्फ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर प्लस मिनट्स, ये किसको दे रहे हो? आरओसी को, ताकि आरओसी क्लियरली समझ सके कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या करने बोला, विथ डिस्कशन मिलेगा उसको. और साथ में ऑब्वियसली उसके साथ क्या जाएगा, अब सीए का वो भी जाएगा ना, आप एंट्री क्या करने वाले हो. तो अब आरओसी के पास सब कुछ है, ट्रिब्यूनल ने क्या करने बोला, क्यों करने बोला, क्योंकि मिनट्स भी है, और कैसे करने बोला, अकाउंटिंग एंट्रीज भी है. अब बाद में आरओसी का काम क्या है, सिर्फ आके देखने का, सब बराबर हुआ है कि नहीं. तो आरओसी के पास सारा डिटेल गया, ठीक है. क्या क्या गया अब उसके पास? ऑर्डर गया प्लस अपील गई, और वो तो गया ही है उसके साथ ऑडिटर का. ये मिनट्स अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल शोइंग, मिनट्स में देखो क्या क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हिच इट इज टू बी डिवाइडेड, अमाउंट ऑफ ईच शेयर्स एंड द अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप ऑन ईच शेयर. क्या ये सारी चीजें चेंज हो रही होगी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बाद? ऑफकोर्स. क्या आपके अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल चेंज होगा रिडक्शन के बाद? यस. क्या आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे? यस. क्या आपका अमाउंट चेंज होगा पर शेयर? यस. क्या आपके टोटल पेड अप शेयर कैपिटल चेंज होगा? यस. तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है आरओसी को. आरओसी क्या करेगा? नोट करके रखेगा. कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हु शैल रजिस्टर द सेम एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट. एक और चीज ऐड हो गई. अब दो जगह आपको सर्टिफिकेट याद थे, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में एक नेम की जगह और एक रजिस्टर्ड ऑफिस एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जाता है तो आपको नया सर्टिफिकेट मिलता है. यहां पर भी फिर से आपको सर्टिफिकेट मिलता है बिकॉज आपका टोटल जो क्लॉज है कैपिटल क्लॉज वो चेंज हो चुका है ना. इसीलिए नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बाय बैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 68. ये हम पढ़ने वाले हैं. जितना भी सेक्शन 68 में लिखा है वो उसको अलग से लगता है. 68 सेक्शन एक आइसोलेटेड सेक्शन है. इसकी हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यहाँ का कुछ भी वहां नहीं लगता. वहां ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेव सेक्शन है 68. ठीक है. नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर. अ मेंबर ऑफ अ कंपनी पास्ट और प्रेजेंट शैल नॉट बी लाइबल टू एनी कॉल और कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड बाई हिम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द अमाउंट पेड ऑन द शेयर और रिड्यूस्ड अमाउंट इफ एनी विच इज टू बी डीम्ड टू हैव बीन पेड देयर ऑन एज द केस मे बी एंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स एज फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन. ये पॉइंट पढ़ो एक बार और मेरे को बताओ क्या बोल रहे हैं. थोड़ा शांति से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है. पहले 100 रुपए पेड अप था, 75 पेड अप था,
कौन खेलना तो 25 ही दे सकता है, 25 से ज्यादा नहीं दे सकता, अनपेड अमाउंट ही दे सकता है, पूरा नहीं बता रहे पूरा, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट एग्जांपल, तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। अर्लियर क्या था, आप रिडक्शन का वैल्यू बता ही नहीं रहे, देयर हैज टू बी टू सिनेरियोस इन दिस सेंटेंस, बताता हूं मैं, ये देखो ये अर्लियर सिनेरियो, जब आपका 100 रुपीस का शेयर था 80 रुपीस पर शेयर वॉज पेड अप, अब आप रिड्यूस सिनेरियो भी तो बताओ, रिड्यूस सिनेरियो ऐसा हो गया, अब आपका शेयर रह गया 70 रुपीस का, ठीक है 70 रुपीस का शेयर है और रुपीस 50 पेड अप कर दिया अब आपने, आप मेरे को बताइए कितना नुकसान ऑलरेडी हो गया इस रिडक्शन में लोगों का, सर आपका 80 रुपीस पेड अप था अब आपका 50 पेड अप दिख रहा है, इन शॉर्ट 30 का तो आपका नुकसान हो गया, वो तो गया ऑल टुगेदर गया। अब इसके बाद एक और हादसा हुआ, कंपनी आ गई वाइंडिंग अप में, क्या आ गई कंपनी, आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, सर वाइंडिंग अप में क्या होता है, व्हाट इज द लायबिलिटी इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, what is the amount of liability, what is the unpaid amount of shares, no matlab pura paid up bol diya na, kahan pura paid up bola hai, 20 rupees unpaid hai na madam, kahan pura kahan paid up hua bataiye na, reduce karne ke baad, reduce karke main bataya na aapko, pehle 100 ka share tha abhi aapne 70 ka kar diya, pehle usme 80 rupees paid up the ab aapne 50 paid up kar diye, when maine aisa kab bola ki fully paid up hai, ये देखो ना ये अर्लियर सिनेरियो है, ये रिड्यूस सिनेरियो है सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो अब आप मैक्स कितना देंगे, ठीक है पर शेयर, अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझाए, ओके अभी अर्लियर सिनेरियो बता रहा वापस, आपका 100 का शेयर था 90 रुपीस पेड अप, अभी आपका शेयर कर दिया मैंने 80 रुपीस का 75 पेड अप और अब आ गया वाइंडिंग अप, आप कितना पे करेंगे, फाइव रुपीज, प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, और ऐसे कितना भी पूछूंगा तो आपको रियलाइज हो गया कि आपको नया जो केस आ गया है उसका जो अनपेड अमाउंट है वो आपको पे करना है, आपको समझ में आ गया है, अब मैं वापस ये पूरा पैरा पढ़ रहा हूं, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी पास्ट और प्रेजेंट शैल नॉट बी लायबल टू एनी कॉल और कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स और रिड्यूस्ड अमाउंट, अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स और रिड्यूस्ड अमाउंट which is deemed to have been paid thereon, as the case may be, and amount of shares fixed by the order of reduction. यहाँ पे amount of share fixed क्या हुआ था reduction के बाद 70, उसका हमने deem paid up कितना माना था 50, तो अब उसका unpaid कितना है हमारे हिसाब से 20, तो अब in the event of finding up वो कितना होगा 20, अगर आपको future में call करना है तो भी आप max कितना call कर सकते हो 20, क्योंकि आपने 70 के share 50 paid up कर दिए, clear है ये वाला point, 8th point, In the case where a creditor is entitled to object, where the name of any creditor entitled to object to the reduction of share capital under this section is by reason of his ignorance of the proceedings for reduction or of their nature and effect with respect to his debt or claim, not enter on the list of creditor, and after such reduction, the company commits a default within the meaning of section 6 of IBC, abhi CA final mein padhenge aap, in respect of amount of his debt or claim, Every person who was a member of a company on date of registration of the order for reduction of by the registrar shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim. Okay, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा. And amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced winding up on the day immediately before the said date. इसमें आपको फिर से अपना imagination थोड़ा open करना है. देखो क्या situation क्या है. Where the name of the creditor entitled to object to the reduction of share capital by reason of his ignorance of the proceedings or koi bhi ho not entered in the list of creditors hua kya hai aap samjhe kya aapko reduction karna hai to step 1 kya bola tha maine kya karne ka tribunal se application tribunal ko application karte hi tribunal kya karta hai central government roc sebi in case of listed company aur creditors ko bhejta hai क्रेडिटर्स को भेजता है नोटिस उनको 30 दिन के अंदर भेजना है वो अलग बात है क्रेडिटर को ही नोटिस भेजता है व्हाट इफ ये नोटिस जाते वक्त एक क्रेडिटर छूट गया
सोचो ना वो अच्छा वो क्रेडिटर नॉर्मल जेन्युइन क्रेडिटर है उसको अगर ये नोटिस मिली रहती तो उसने ऑब्जेक्ट किया रहता कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस उसको नोटिस ही नहीं गई उसको पता ही नहीं और वन सडनली एक दिन उसको पता चला अरे ये तो 100 के शेयर्स थे ये सडनली 50 के दिख रहे हैं लॉस हुआ ना उसका कैसे लॉस हुआ हाँ तो अब उसके केस में आप करेंगे क्या सॉल्यूशन क्या है इसका प्रॉब्लम आपको समझ गया प्रॉब्लम क्या हुआ उसको जाना चाहिए था लिस्ट में नाम उसका आना चाहिए था लिस्ट में नाम नहीं आया इसलिए उसको एक भी नोटिस नहीं गई इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाया सॉल्यूशन क्या है कौन करेगा पेमेंट कंपनी एवरी पर्सन ए पॉइंट पढ़ो एवरी पर्सन हु वॉज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय रजिस्ट्रार क्या आपको याद है कि आपको ऑर्डर विथ मिनट्स आरओसी को भेजने पड़ते हैं कितने दिन में 30 days of what होता है ऐसा कंफ्यूजन होता है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर आपको आरओसी को देना है आरओसी इसका क्या करता है रजिस्टर कर लेता है जिस दिन आरओसी ने अपने बुक्स में रजिस्टर कर दिया ये हो गया फाइनल फाइनल हो गया ना अब देखो एवरी पर्सन वापस पढ़ रहा हूं मैं ए पॉइंट हर चीज को ध्यान से सोचो एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय द आरओसी यानी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था ट्रिब्यूनल का ऑर्डर प्लस मिनट आपने आरओसी को दिया आरओसी ने जिस दिन अपने बुक में लिख दिया उस दिन जो सारे लोग मेंबर थे कंपनी के उन लोगों की बात कर रही है है ना उन लोगों की बात कर रहा है उस दिन जो मेंबर थे अब उन लोग को क्या करना है दे शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ द डेट और क्लेम एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट व्हिच ही वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी हैड कमेंस वाइंडिंग अप ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द सेम डे मतलब इस सिनेरियो की बात कर रहा है वो ये रिड्यूस जो होता है ये आरओसी रजिस्टर करता है वो बोल रहा है कि ये वाले सिनेरियो के हिसाब से आप काम करो मतलब इन शॉर्ट उसको क्रेडिटर को बिना बताए आपने रिडक्शन किया ना आप अज्यूम कर लो क्रेडिटर को बिना बताए किया मतलब क्रेडिटर को नहीं पता है और क्रेडिटर यही अज्यूम करके चलेगा कि अभी भी रिडक्शन नहीं हुआ है और यहां पर जो लोग सब लायबल थे यहां पर वही लोग अब लायबल रहेंगे यस इसीलिए मैं ध्यान से पढ़ने बोल रहा था वापस देखो ये वर्ड्स बहुत अच्छे यूज किया उन्होंने वो बोल रहे हैं कि ऐसे लायबल रहेंगे जैसे एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट व्हिच ही वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी हैड कमेंस्ड वाइंडिंग अप ऑन द डेट इमीडिएटली बिफोर द सेट डेट यानी इस डेट पे जिस दिन आपने आरओसी में रिडक्शन साइन कर लिया जिस दिन रिडक्शन आरओसी ने एक्सेप्ट कर लिया उसके एक दिन पहले क्या रिडक्शन हुआ रहेगा नहीं था उसके एक दिन पहले सिनेरियो क्या था ये अर्लियर का सिनेरियो अगर अर्लियर सिनेरियो में वाइंडिंग अप हुआ रहता तो आप कितना पे करते बताओ यहाँ पे 20 रुपीज तो आपको अभी भी 20 रुपीज पे करना वो क्रेडिटर के हिसाब से ये रिडक्शन हुआ ही नहीं क्यों क्योंकि उसका नाम आया ही नहीं उसका नाम आया नहीं उसको नोटिस मिली नहीं वो अज्यूम करेगा कि भाई कुछ नहीं बदला है भले सब कुछ बदला है वो आंखें बंद करके क्या बोलेगा मेरे लिए कुछ नहीं बदला है क्योंकि मेरे को नोटिस नहीं मिली डिफिकल्ट है ना थोड़ा समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ क्या आपको समझ में आया अब मैं इन केस जो है ना पॉइंट नंबर 8 वहां से ये ए पॉइंट जब तक एंड होता है वहां तक पढ़ूंगा ताकि आपको अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो समझ में और अच्छे से आ जाए ठीक है इन केस वेयर द क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट वेयर द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर दिस सेक्शन इज बाय रीजन ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर रिडक्शन और ऑफ देयर नेचर एंड इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज डेट और क्लेम not entered in the list of creditors and after such reduction the company commits a default within the meaning of section 6 of IBC aapko CA final mein in respect of amount of his debt or claim every person who was a member of a company on the date of registration of order for reduction by ROC shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced winding up on the day immediately before the said date. Clear है? जो मैंने बोला 100% वही है? Every person जो यहाँ पर ये होने से पहले अगर जो situation थी वो बोल रहा है कि आप imagine करो reduction के जगह अगर winding up हो गया होता
तो जो सारे लोगों को जितना सारा पैसा पे करना पड़ता था ना, वो सारे लोगों को उतना पैसा पे करना पड़ेगा इसके डेट चुकाने के लिए, ठीक है? क्योंकि यहां तो रिडक्शन हो गया है। ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे मैं 60 पे डब बोल दूं, तो आपको यहां के हिसाब से सिर्फ 10 रुपए पे करने, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अब रिडक्शन हो गया, 10 रुपए ले और भाग जा। क्रिएटर बोलेगा नहीं, कंपनी से ध्यान से पढ़, मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि यहां पर अगर वाइंडिंग अप हो गया रहता तो आपको जितना पे करना पड़ता था आप उतने के लिए लायबल हो। तो बोले उस केस में तो मेरे को 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। यस, तो आपको 20 रुपए पे करने। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका नाम लिस्ट में नहीं आया और उसके बिना कंसेंट के रिडक्शन हो गया। अब उसके बिना कंसेंट के रिडक्शन हुआ तो उसके लिए रिडक्शन वाइड है, तो वो बोल रहा है कि मेरे हिसाब से रिडक्शन हुआ ही नहीं, मैं पुराने केस से ही चलूंगा, ठीक है? और लॉ ने इसको सपोर्ट किया। एंड अच्छा, ये आधा ही था। एंड इफ द कंपनी इज वाउंड अप द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी सच क्रेडिटर एंड द प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस एज अफोरसेड, इफ इट थिंग्स फिट, सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक एंड एनफोर्स कॉल्स एंड ऑर्डर्स ऑन द कॉन्ट्रीब्यूटरीज सेटल्ड ऑन द लिस्ट एज इफ दे वेर ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन द वाइंडिंग। इस पूरे खर्चे में, इस पूरे लफड़े में अगर एक्चुअल वाइंडिंग अप की बात आ गई, अगर बड़ा क्रेडिटर रहा और एक्चुअल वाइंडिंग अप की बात आ रही है, तो ट्रिब्यूनल पहले तो प्रूफ मांगेगा किससे, क्रेडिटर से, कि भाई तुम्हें को सच्ची बता दे रहा लिस्ट में नाम नहीं था। बोले नहीं, देखो कोई आइडिया नहीं था कि रिडक्शन हो रहा है। बोले नहीं, इसलिए तूने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। बोले हाँ, मैं इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं किया क्योंकि मेरे को कहीं से पता नहीं था कि ये रिडक्शन हो रहा है। बोले ठीक है, रुक। फिर अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है कि यार क्रेडिटर बहुत जेन्युइन है, बहुत अमाउंट इसका बड़ा है और वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनता है। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स सुना है कैसे पहले कभी? नहीं, नहीं सुना लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स? ओके, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स का कंसेप्ट ऐसा है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी को लगते हैं पैसे, क्योंकि आपको रीपे करना होता है जो सारी लाइबिलिटीज है। ऐसा हो सकता है कि असेट बेच के पूरे पैसे आपके रिकवर ना हो, है ना? तो आप इस केस में क्या करते हो, आप मेंबर से पैसे मांगते हो। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड शेयर कितना पैसा मांग सकते हो? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। तो ये अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर एक्चुअली कौन देते हैं? तो ये एग्जिस्टिंग मेंबर्स देते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो ऑफकोर्स इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। ये लिस्ट में उन सब लोगों का नाम रहेगा जिनको पैसे देने हैं, मतलब हु विल गिव मनी टू द कंपनी। इन रिटर्न कंपनी क्या करेगी? अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करेगी और लास्ट में जो बचा वो पैसा क्या करेगी? वापस इन लोगों में बांट देगी। कंपनी हो गई बंद। अब ट्रिब्यूनल ने क्या किया, ये लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाई और उनसे एडिशनल कॉल्स किए। देखो, मेक एंड एनफोर्स कॉल्स एंड ऑर्डर ऑन द कॉन्ट्रीब्यूटरीज सेटल्ड ऑन द लिस्ट। उनको क्या बोला पता है? आप हमारे लिए एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, आप पैसा दो इस क्रेडिटर को। पहले पॉइंट में वाइंडिंग अप नहीं हो रहा था, पहले पॉइंट में एक्चुअली वाइंडिंग अप नहीं हो रहा था, लेकिन आप अज्यूम कर रहे थे कि अगर वाइंडिंग अप होता है तो जो पे करना था वो पे करो। सेकेंड इसमें एक्चुअल वाइंडिंग अप हो गया। ये जो बी पॉइंट है ना, इफ द कंपनी इज वाउंड अप, दिख रहा? तो ये एक्चुअल वाइंडिंग अप हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स को एक्चुअल कॉल करके उनसे पैसे मांगेंगे और इस क्रेडिटर को पकड़ेंगे। अगर ऐसा भी हो गया कि सारे असेट्स बिक गए, सारे लाइबिलिटीज खत्म हो गई, अकेला क्रेडिटर बचा है, ये फॉरेन में था, 2-3 महीने के बाद आया, बोला ये क्या हुआ, ये कंपनी का तो नामो निशान मिट गया, सब बेच बुचा के डब्बा गोल करके गायब है, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा तू डर मत, तू पहले मेरे को प्रूफ कर कि तेरा इग्नोरेंस और सारी चीजें कि तेरे को नहीं पता था। उसने प्रूफ कर दिया ना, तो वो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स वापस जिंदा करेगा ट्रिब्यूनल। जो लोग को अभी घर पे आराम से नहीं के सो रहे, उनको लग रहा है अब हो गया सब, कंपनी बंद हो गया, उनको पैसे नहीं देना, उनको बोले वापस पैसे दो। कॉल करेगा, एनफोर्स कर रहा है, मेक एंड एनफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए वहां पे, एनफोर्स करना है ने? अगर आप नहीं देते हो तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपके पर्सनल असेट्स से भी वो रिकवर करेंगे। एनफोर्स करेगा और वो पैसा लेके क्रेडिटर को देगा और उस प्रकार वो पूरी स्टोरी खत्म होगी। ट्वेंटी देंगे, बट अभी वो ये नहीं बोल सकते कि सर कंपनी तो बंद हो गई, अब हम क्यों पैसे दें। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये क्रेडिटर जेन्युइन क्रेडिटर है। नहीं हो रहा है, हाँ कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि अगर वो नहीं करते तो क्रेडिटर के पास तो कुछ वे आउट रहना चाहिए। आप इंटरनली कुछ भी कर सकते हो, बट रूल्स में कुछ तो होना चाहिए वे आउट क्रेडिटर के लिए। ये आप रूल्स के वे आउट पढ़ रहे हैं। ऐसा जेन्युइनली हो सकता है कि क्रेडिटर जाए और बोले कंपनी को, कंपनी बोले अच्छा ऐसा हुआ क्या आपके साथ, कोई बात नहीं ये लो सिक्योरिटी, ऐसा भी हो सकता है ना। बट अगर व्हाट इफ कंपनी बोले कि आप नहीं थे, आपकी गलती, आपका लिस्ट में नाम नहीं था, आपकी गलती, अब कुछ नहीं करेंगे हम, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो ये उखाड़ेगा। जब अगर कंपनी उसको बोल दे कि आपको जो करना है कर लो, तो वो ये करेगा। और कंपनी
मैं ये रिडक्शन को टोटली इग्नोर किया जाएगा और रिडक्शन के पहले जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन के हिसाब से इसको सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर कंपनी वाउंड अप नहीं होती तो उनको बोलेंगे कि 20 रुपए पे करो, अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो कॉल्स मेक करेंगे, एनफोर्स करेंगे और पैसे लेके क्रेडिटर्स को दे दिए जाएंगे। ठीक है, समझे हो एकदम? आठवां पॉइंट, ये बुलडोजर पॉइंट है एक नंबर। बस आखिरी दो तीन पॉइंट ना, अब बस बाकी सब इजी पॉइंट्स है। Nothing in this subsection 8 shall affect the right of the contributors among themselves. Madam, ये right of the contributors among themselves क्या होता है? Among themselves मतलब क्या होता है? हमने इस पे already discuss किया, हमने बात किया है। चलो ठीक है, एक वापस example लेते हैं। सूरज और कीर्ति ये दोनों भी company के members थे, अभी इन दोनों से equal amount मंगाने चाहिए, दोनों member है। मैंने मंगाया, इस कीर्ति ने 100 रुपए दे दिए जबकि दोनों को 50-50 देने थे। अब क्या कीर्ति इससे 50 रुपए ले सकती है? दिस इज एग्जिस्टिंग राइट अमंग कंट्रीब्यूटर्स। तो बोल रहा है कि ऊपर जो पूरा आठ में अपने राम कहानी सुनी, हो सकता है कोई एक कंट्रीब्यूटर ही ज्यादा पैसे दे दे और दूसरे कंट्रीब्यूटर कम पैसे दे दे, तो उस केस में उनके आपस में राइट रहेंगे कि आपस में सब इक्वल सेटल कर ले। और लॉजिकल है ना, क्यों अकेला एक कोई भरे? अच्छा, इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी नोइंगली कंसील्स द नेम ऑफ क्रिएटर, क्या ये भी हो सकता है? सीधी बात है ना, ट्रिब्यूनल को अगर आपने आपके लिस्ट ऑफ क्रिएटर में उसका नाम ही नहीं दिया होगा, अब अगर आपने नाम नहीं दिया तो ट्रिब्यूनल ने भी उसको नोटिस नहीं भेजा होगा। तो अगर बाद में ट्रिब्यूनल को पता, ट्रिब्यूनल ने सोचा साला ऐसा हुआ कैसे, मैंने तो सारे लिस्ट के क्रिएटर्स को मेल किया था, इसको क्यों नहीं गया? फिर आपको पता चला कंपनी ने आपको बताया नहीं था। फिर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला एक जो पर्टिकुलर डायरेक्टर इसकी खुन्नस थी वो क्रिएटर से, वो बोला था तेरे पैसे तो मैं डुबा के रहूंगा, और वो खुन्नस के मारे वो पर्टिकुलर डायरेक्टर ने उसका नाम लिस्ट में हटा दिया था, लिस्ट में से जो ट्रिब्यूनल को लिस्ट गई। तो अब ऐसे डायरेक्टर के साथ क्या करोगे आप? इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी नोइंगली कंसील्स द नेम ऑफ क्रिएटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट, नोइंगली मिसरिप्रेजेंट्स द नेचर और अमाउंट ऑफ डेट क्लेम बाय द क्रिएटर और अबेट्स और इज प्राइवी ऑफ एनी सच कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन एज अफोरसेड, ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। आपको समझ में आना चाहिए था, फ्रॉड है मतलब 447। तो आपने कंसील किया, आपने उसके नेचर अमाउंट या डेट को मिसरिप्रेजेंट किया, या आपको पता है कि कोई और मिसरिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। थर्ड पॉइंट, अबेट और प्राइवी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो भी आपको कहां लेकर जाया जाएगा? 447 में। फिर वहां देखा जाएगा आपका अमाउंट कितना है, मोर देन इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिच इज लेस, या लेस देन इक्वल टू 10 लाख और 1%। फिर फर्दर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड नॉट हैम्पर्ड, इफ हैम्पर्ड तो 3 से 10 साल अमाउंट ऑफ फ्रॉड, 3 टाइम द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नॉट हैम्पर्ड तो 6 मंथ्स 10 ईयर अमाउंट ऑफ फ्रॉड, 3 टाइम द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर 10 लाख से कम है तो 5 years 0 to 50 lakhs और पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड है तो 3 to 5 years 0 to 50 lakhs। इन केस ऑफ फेलियर टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर, क्या हुआ इन केस ऑफ फेलियर टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर्स, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। आपको मैंने बताया ना सबसेक्शन 4 में जो ट्रिब्यूनल ने बोला जैसा उसने बोला वैसे पब्लिश करने का, और ये आप करने से आप ये इसमें भी गलती कर दिया, बताओ अब आप क्या होगा फिर आपके साथ? फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख्स। ये 11 पॉइंट कैसे लगे आपको? खतरनाक थे कि नहीं थे? थे ना? थैंक्स अ लॉट, आज का आपका दिन मैंने बर्बाद कर दिया लिखा लिखा के। थैंक यू।